नमस्कार जी, ज्वाला प्रसाद जी, प्रणाम करता हूँ सर। प्रणाम प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। वेरी गुड। आपने एटीएम वन कोर्स 24 नवंबर को किया है? 25 नवंबर। 25 नवंबर। ओके, यस 25 नवंबर। सर। आज है 19 जनवरी। यस सर। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2 महीना भी नहीं हुआ इसका मतलब। जी सर। चलो ठीक है, चलो आपका एक्सपीरियंस बता दे। इसके पहले, ज्वाइन करने के पहले, आप क्या करते थे? आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए। बिल्कुल, मैं सर भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ। टेक्सटाइल सिटी का नाम सुना होगा आपने। बिलवाड़ा, यस, जानते हैं, जी बिलवाड़ा मिल भी है वहां पर तो। ओके जी सर, वहाँ से हूँ मैं। और ओके, मैथमेटिक्स पे हूँ मैं और टीचर हूँ मैथमेटिक्स का। हाँ आप, मुझे याद आ रहा है। यस सर। और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ सर, उसमें भी मैंने डिग्री ले रखी है। वेरी गुड। तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था ही। तो 2002 या 2003 से सर मैं म्यूचुअल फंड की तरफ डाइवर्ट हुआ और म्यूचुअल फंड को सीखा अच्छी तरह से, धीरेन्द्र कुमार जी से और इनसे सबसे। म्यूचुअल फंड में अच्छा पैसा बनाया। फिर उसके बाद इक्विटी में मैंने एंट्री की थी सर 2005 के आसपास। तो मैं सर लॉन्ग टर्म लेता था ओके, और मैं बड़ा लकी रहा था कि एस्ट्रोलॉजिकली मुझे लगा था कि मार्केट क्रेश होगा 2008 में जनवरी में। नहीं, ट्रेडिंग करते थे कि उसके ट्रेडिंग के बारे में बताइए। हाँ ट्रेडिंग सर, मैं ट्रेडिंग तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, इससे पहले नहीं किया है। पहले कभी नहीं ट्रेडिंग किया आपने? नहीं ट्रेडिंग नहीं करता था सर, मैं लॉन्ग टर्म पे रखता था। वेरी गुड, चलो अच्छा है। जी तो सर। ट्रेडिंग मेरे सीखने के बाद शुरू किया आपने, जी सर। मतलब कह सकते हैं इसका नॉलेज आप जीरो था ट्रेडिंग का। नहीं यू थोड़ा बहुत था सर। पहले में क्या है कि जैसे ओपन इंटरेस्ट और इनका एनालिसिस करके स्टॉक को ट्रेड करता था, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस भी लंबा रहता था। मतलब बहुत डीप रहता था स्टॉप लॉस भी, तो वो कोई मजे वाली बात नहीं रहती। दूसरा क्या है, रात को आपको टेंशन रहती है कि सुबह मार्केट क्या खुलेगा क्या होगा। और तीसरा ये कि आप जैसे केवल शेयर मार्केट को ही कर सकते हैं, और अब मैं क्या है कि जैसे सिल्वर में भी कर लेता हूँ शाम को फ्री हुआ तो, नहीं तो दिन में स्टॉक्स में, नहीं तो बैंक निफ्टी निफ्टी सब में। मतलब अभी सीखने के बाद जी आप सर। कमोडिटीज भी ट्रेड करते हैं? हाँ करता हूँ ना सर। वेरी गुड। और स्टॉक मार्केट भी करते हैं या इंडेक्स करते हैं? नहीं सर, मैं स्टॉक्स भी करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी भी करता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स और कमोडिटीज भी करते हैं। बहुत ही जी बढ़िया। सर। तो जी आपने सर। जो मेथड मुझसे सीखा है, एटीएम वन जो कहते हैं, एनी हाँ टाइम हाँ मनी वन, जी जी सर। 2 महीने पहले आपने लिया और जी उसमें सर। अभी कंफर्टेबली आप ट्रेड करते हैं आराम से सर, कोई टेंशन नहीं। और पैसा भी बनाते हैं हाँ डेली आपको डेली। स्क्रीनशॉट वेरी भेजता हूँ गुड, सर। और क्या चाहिए, बहुत अच्छा है। तो जो चीज आपको आती नहीं थी, सीखने के बाद आपने शुरू कर ली और उसको जी अप्लाई सर। करते हैं मेथड, चाहे वो जी सर। कमोडिटीज हो, इंडेक्स हो या फिर स्टॉक्स हो, और पैसा बनाते हैं कंफर्टेबली। आपने आपने जब सीखा था चैटर तो शुरू में पे ऐसा देखने लगा लगता है कि था आप बनाते हैं, बहुत खुश हैं। जी सर, शुरू में ऐसा लगा था कि शायद ये केवल निफ्टी या बैंक निफ्टी में होगा। फिर आपने एक आध बार कहा था कि ये तो हर जगह काम करेगा आपका। और वास्तव में सर, अगर हम नहीं देखें, केवल चार्ट को देखें ना, केवल चार्ट को देखते हैं या देखते हैं भाव को देखते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि हम स्टॉक में कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, सिल्वर में कर रहे हैं। हमें तो बिल्कुल हमारा सेटअप मिलना चाहिए, और वो सेटअप सब में मिलता है सर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल। जी सर। दो, अच्छा, आपने इसको जब शुरू किया, पढ़ा, आपने जो वीडियोस देखे मेरे, उसके कितने दिनों के बाद आपने ट्रेडिंग शुरू की? प्रैक्टिस सर कितना किया? प्रैक्टिस को किया सर मैंने, लगभग 40 डेज किया सर। 20 दिन प्रैक्टिस किया, मतलब हाँ ओके, नहीं मतलब दो महीने 25-30 नहीं, डेज। उसमें 3 हफ्ता आपने प्रैक्टिस किया हाँ और 1 सवा महीने से आप ट्रेड कर रहे हैं और अच्छी तरह जी ट्रेड कर रहे सर। हैं कंफर्टेबली। जी सर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो। ऐसे सक्सेस स्टोरीज तो अच्छी लगती है सुनने को, कि जी सर। आप कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, और क्या चाहिए हमको। जी सर। और आपसे एक सवाल पूछता हूं, जी सर। आपको पहले कुछ आता नहीं था ट्रेडिंग के बारे में, लॉन्ग टर्म तो करते थे, ठीक है, ये नया सीखा, इसके बाद आपको कुछ बदलाव लगता है अपने आप में? क्या बहुत चेंज आया सर, बहुत चेंज बदलाव हुआ। लगता है बताइए। बदलाव ये है कि सर जैसे पहले क्या होता था कि जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते थे तो उसमें वेट भी बहुत करना पड़ता है, कभी मार्केट नीचे गया ऊपर गया, कभी एवरेज कर रहे हैं, पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट होता है ना। और इसमें ये टेंशन नहीं सर। जैसे मैं जिस भी दिन, जैसे आज मैं केवल बहुत कम फ्री था, केवल 45-40 मिनट फ्री था, क्योंकि मेरे ड्यूटी आवर्स भी रहते हैं, तो
तो 45-40 मिनट में सर कहीं ना कहीं तो सेटअप मिल जाता, अपना काम किया और खुश हो गए कि ठीक है आज का अपना इनकम हो गई। ये तो फायदा होता है ना, रात को आपको यूएस की टेंशन है कि सुबह मार्केट क्या खुलेगा, या किसी स्टॉक के अंदर कोई बैड न्यूज आएगी या क्या रिजल्ट आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक तो ईजी है सर, जब आपको टाइम मिले, जैसे शाम को आप फ्री हो तो शाम को 8-9 बजे आप कमोडिटी में कर लो, घंटे भर अगर आप बैठ गए, एक दो ट्रेड मिल जाते हैं सर, आराम से मिलते हैं। आज सिर्फ 45 मिनट फ्री थे और आप उसी में भी ट्रेड कर लिया? आज तीन ट्रेड की है सर, तीन ट्रेड की है। अच्छा, वेरी गुड। आज मैंने सर तीन ट्रेड किए हैं, एक तो एक्सिस बैंक में किया, एचयूएल में किया है और एचडीएफसी में किया। बहुत ही अच्छा, सुपर, बहुत बहुत बढ़िया। पौने घंटे में अब तीन ट्रेड कर लेते हैं और जब बिजी है शाम को टाइम मिल जाता है तो कमोडिटीज कर लेते हैं। अब सर आज क्या हुआ कि जैसे एक साथ दो ट्रेड मिल गए थे मुझे, आप अगर देखेंगे तो मुझे एक्सिस बैंक का और एचयूएल का सेम टाइम पे ट्रेड मिला था। बिल्कुल सही, वेरी गुड, है ना, तो मैंने दोनों में ट्रेड ले लिया था। फैंटास्टिक, बहुत ही बहुत ही। एग्जिट एग्जिट करने में भी सर 1-1.5 मिनट का ही डिफरेंस था बस, दोनों सेम टाइम पे एग्जिट हो गए। फिर थोड़ी देर बैठा तो फिर एचडीएफसी में ट्रेड मिल गया, उसमें कर लिया और बस फ्री हो गया सर मैं। तो इसका मतलब है जो एटीएम है, एनी टाइम मनी, जी सर, आपने जैसे कि कार्ड डाला बैंक में एटीएम मशीन में और पैसा निकाल दिया, इतना इजी आपको लगता है? बिल्कुल सर, उतना इजी और उतना ही टाइम लगता है जितना पैसा निकालते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब कुछ कुछ ट्रेड तो मेरे सर अभी मुझे याद है, एक ट्रेड मेरा केवल 36 सेकंड का था, 36 सेकंड्स, वाओ, केवल 36 सेकंड का था बैंक निफ्टी का, और उसमें मतलब बहुत अच्छा मूव मिला था। तो कुछ ट्रेड तो बहुत कम टाइम के होते हैं, लेकिन कुछ ट्रेड में ये मान के चलिए कि 12 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, इससे ज्यादा लंबा ट्रेड नहीं किया सर। वाओ, करेक्ट है, 8-10-12 मिनट से ज्यादा कोई लंबा ट्रेड चलता नहीं और पैसा मिलता है उसी दिन में। जी सर, एक तो फायदा है इसमें, इस मेथड में, कि 10-12 दिन मिनट से ज्यादा लगता नहीं है, और जब मौका मिले, वक्त मिले, बैठ जाओ स्क्रीन के सामने, सेटअप मिला तो ट्रेड ले आओ। जी क्या सर, फर्क पड़ता है, चाहे वो कमोडिटीज हो, इंडेक्स हो या स्टॉक हो। जी तो मतलब आपसे एक बात कह सकते हैं कि आप जब चाहे मार्केट से पैसा बना सकते हैं, 100% सर, किसी भी मार्केट से, किसी मार्केट, फर्क नहीं हो चाहे कोई भी मार्केट हो। नहीं, हालांकि मैंने अभी ट्रेड नहीं किया सर, केवल मैंने कमोडिटी में, सिल्वर में किया और इसमें स्टॉक्स में कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये विश्वास है कि आप मेरे सामने कोई भी लाके रख दीजिए, उसमें सेटअप 100% मेरे ढूंढूंगा, बिल्कुल, और सेटअप आएगा और मैं कर लूंगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, एक्चुअली वो सही है सर, आपने कहा था वही मैं कर रहा हूँ, कि मैं जब चार्ट देखता हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि किस स्टॉक का चार्ट है। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर उसको देखोगे तो आप शायद मेंटली थोड़ा सा आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। जैसे सपोज आज बैंक निफ्टी बहुत ऊपर है तो, और अगर आपको किसी बैंक स्टॉक के अंदर मान लीजिए सेल का बन रहा है सेटअप, तो आप उसको सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका अंदर से माइंड ये कहेगा नहीं यार बैंक निफ्टी ऊपर है, निफ्टी ऊपर है तो मैं सेल कैसे करूँ। ओके, अभी एक दिन आपको याद है सर 450 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर था, हाँ, उस दिन मैंने सिप्ला में एक छोटा सा ट्रेड आया था जो सेल का सेटअप था, उसको मैंने सेल करके पैसा बनाया, वेरी गुड, जबकि मार्केट ऊपर है सर। बिल्कुल, तो ऐसा कई बार होता है। तो मैं न तो इंडेक्स देखता हूँ सर, मैं ये नहीं देखता हूँ कि निफ्टी क्या चल रहा है या सेंसेक्स क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी क्या चल रहा है, मैं केवल चार्ट्स पे टक टक करके आता जाता हूँ, जहां मुझे सेटअप नजर आता है उसको मैंने लिया और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लगाया, केवल आधा एक मिनट देखूंगा और जो मुझे प्राइस लगती है उसको कोट किया, और जैसे आपने टारगेट का बता रखा है कि इतना टारगेट लेके चलो, वो टारगेट फिक्स कर देता हूँ सर, तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। वेरी गुड, केवल ये मान के चले कि मेरा अब तक का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि 13 ट्रेड के अंदर 2 में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, 13 में से 2 में हुआ, 2 पे होता है लगभग रोज सर, ग्रीन कैंडल बनती है, रोज पैसा बनाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब एक ये इनकम जनरेटिंग मेथड आपके हाथ में आ गया, तो आप, आपको अभी जब चाहे आप पैसा बना सकते हैं। हाँ, इतना पावर आपके हाथ में आ गया। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप उनके जो व्यूअर्स हमको इस चैट को देखेंगे उनके लिए कुछ मैसेज है आपको? 2 महीना भी नहीं हुआ है, उसमें से 2 महीने में 3 हफ्ता तो आपने प्रैक्टिस किया, मतलब 1.25 महीने में आप रोज पैसा बनाते हैं और कंफर्टेबली करते हैं बिगर सोच कर,
उनके लिए मैसेज क्या है, इनकम प्रोड्यूसिंग मेथड है क्या है? सर इसमें मेरा तो ये मानना है कि जो मेथड है उस मेथड को बिल्कुल आप दिमाग में उतार लीजिए, मार्केट की चाल से नहीं चलना है, टीवी क्या बोल रहा है, टीवी क्या बोल रहा है, यूएस मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट क्या बोल रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे जो सेटअप के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो सर वो रूल ऑटोमेटिक हमारे दिमाग के अंदर ऐसे रच बस जाते हैं कि जब हम चार्ट देखते हैं तो तुरंत वो नजर आ जाता है कि हाँ इसमें ये बन रहा ना, इसमें ये बन रहा ना, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है, तुरंत आप ट्रेड कीजिए सर, 100% बनता है सर। बिल्कुल, मतलब लोग कहें 99% लेकिन मुझे लगता है 100%, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर बहुत कम होते हैं सर। अगर आपके एंट्री प्रॉपर है ना, स्टॉप लॉस नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट। और बस ये है कि जैसे आज मान लीजिए सर मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं जॉब में हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कभी 1.5 घंटा मिला, कभी 2 घंटा मिला, तो 1.5 या 2 घंटे में मुझे जहां सेटअप मिलता वही एंट्री करता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं कि मुझे बैंक बैंक निफ्टी में ही करना है या निफ्टी में ही करना है, जहां सेटअप मिला वहां एंट्री करूंगा, नहीं मिला मैं वेट कर लूंगा, और नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, कल बाजार फिर खुलेगा। और बाकी जितना प्रैक्टिस करेंगे सर, मतलब मैंने तो ये देखा है कि सर प्रैक्टिस करने के बाद तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। मुझे सर आज याद आता था सर आपने बोली बोली बोली, क्या बोलना चाहते, क्या याद आ रहा है? कहें तो मैं एक बात को, बोली बोली बचपन में जब साइकिल बचपन में साइकिल चलाते थे ना, जी, चलाना सीखे तो बहुत गिरते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हुई ना तो फिर साइकिल ऐसे चलाते थे कि यार दोस्तों से बातें करते हुए चलते थे, तब ध्यान वो मतलब टेंशन नहीं रहती थी कि गिर नहीं जाए, तो इसलिए इतनी प्रैक्टिस हो गई थी साइकिल चलाने की, फिर यार दोस्तों से बात करते हुए चलते थे हैं, और फिर गिरते नहीं थे। तो ऐसे ही इसके अंदर इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि सेटअप बराबर आया, बराबर एंट्री ली, बराबर एग्जिट किया, कोई टेंशन नहीं सर, चेहरे पे शिकन नहीं। ये एक सेकंड नेचर बन जाता है, जैसे कि जी बच्चा सर, जब सीखता है चलना तो जी उसको सर, दिक्कत होती है बहुत चलना सीखना, जी और एक सर, बार चलना सीख गया तो हम सोचते नहीं हम कैसे चलते हैं, हम तो चलते हैं, जी सर, हमारे हमारी चाल निकल जाती है सीधा, हम चलते हैं सीधा और सोचना नहीं जी पड़ता सर, कैसे अभी राइट पैर आगे करें या लेफ्ट आगे करें, लेकिन बच्चा जब चलता सीखता है तब उसको थोड़ी दिक्कत होती है, गिरता जी है, सर, ये एक बार वो आ गया चलना फिर तो सेकेंड नेचर बन जाता है। बस वही हो ट्रेडिंग गया भी सर, एग्जैक्टली वैसा ही है, हमको हमारा सेटअप मिल गया है तो जेब में पैसा आता है। आएगा ही सर, आएगा ही आपसे आज बात कर बहुत ही जी सर, खुशी, थैंक यू सर, मुझे एक बात की खुशी ये है कि मार्केट से कभी सभी लोग नुकसान करते हैं, लेकिन मार्केट में पैसा बनाना इजी है, आप हाँ जब सर, अब मुश्किल नहीं लगता सर, जब चाहे पैसा बना सकते हैं, नहीं आपके नहीं हाथ में, जी सर, ऐसा नहीं कोई आपको पैसा देता है आप पैसा निकालते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और मार्केट आपको सेटअप देता है कि यहाँ पे मुझे ट्रेड करो, आप करोगे पैसा आएगा सर, बिल्कुल, बस ये सर डिसिप्लिन होना चाहिए प्रॉपर, और आपका सेटअप हो तभी ट्रेड करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। मतलब एक जो वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी में कि भाई मुझे तो आज ट्रेड लेना ही है, तो आप खो गए सर बिना सेटअप के, लेकिन सेटअप अगर आपके ब्रेन में है 100% पैसा बनेगा, और सब तरफ बनेगा सर, सबके चार्ट से एक जैसे ही हैं। चलो, अच्छा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया फॉर बीइंग अ शुक्रिया गुड सर, स्टूडेंट, थैंक प्रणाम यू, सर, प्रणाम सर। प्रणाम।